हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल थेरेप्टिक न्यूट्रिशन। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे रोज गाजर खाने से हमारे शरीर को कौन कौन से फायदे होते हैं और गाजर का जूस हेल्दी और टेस्टी किस तरह से बनाया जाए। गाजर को सर्दियों का सुपर फूड कहा जाता है। ये ना सिर्फ खाने में स्वादिष्ट बल्कि कई तरह के पोषक तत्वों से भी भरपूर होती है। यह एक सीजनल वेजिटेबल है और इसे बार बार खाने पर भी कम मात्रा में ही कैलोरी मिलती है, इसलिए वजन कम करने वालों के लिए ये बहुत फायदेमंद होती है। NIN के अनुसार 100 ग्राम लाल गाजर में 38 किलो कैलोरीज, 6.7 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 1 ग्राम प्रोटीन, 0.5 ग्राम फैट्स, 5 ग्राम फाइबर्स और इसके अलावा विटामिन सी, विटामिन ए और बीटा कैरोटीन पाया जाता है। गाजर के गुण इतने हैं कि आयुर्वेद में इसको औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आंखों की रोशनी बढ़ाने के साथ साथ यह कई बीमारियों में फायदेमंद होता है। आइए जानते हैं गाजर खाने से होने वाले फायदों के बारे में। गाजर आंखों की रोशनी बढ़ाने में मदद करता है। विटामिन ए की कमी से ड्राई आईज नामक बीमारी हो जाती है जो हमारे नॉर्मल विजन को प्रभावित करती है और इससे नाइट ब्लाइंडनेस की समस्या हो सकती है। गाजर में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स भी आंखों की हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं। यह आंखों की रेटिना और लेंस को सुरक्षित रखते हैं। जो महिलाएं एक सप्ताह में दो बार गाजर का सेवन करती है उनमें ग्लूकोमा का रिस्क 64% कम हो जाता है। एक रिपोर्ट के अनुसार गाजर में मौजूद कैरेटिन नामक तत्व रात में कम दिखने की समस्या से निपटने में मदद करता है। ऐसे में अगर किसी को रात में कम दिखने की समस्या है तो उसे अपने आहार में गाजर शामिल करनी चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और पुरानी वीडियो को भी आप देख सकें। गाजर वजन कम करने में मदद करता है। एक नाश्ते के रूप में गाजर सबसे हेल्दी नाश्ता है। एक कप गाजर में बहुत कम मात्रा में कैलोरी होती है लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं और ये पोषक तत्व वास्तव में आपको लंबे समय तक भूख महसूस न होने में मदद करते हैं। अगर आप अपना वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप अपने डाइट में कुछ गाजर शामिल करने की कोशिश करें। गाजर ब्रेस्ट कैंसर के खतरे को कम करता है। फैलकैरिनॉल गाजर में मिलने वाला एक ऐसा कंपाउंड है जो कि कई प्रकार के कैंसर को रोकता है, लेकिन ये खास तौर पे ब्रेस्ट कैंसर के खतरे को कम करता है। दरअसल ये कंपाउंड सेल्स में होने वाले असाधारण ग्रोथ को रोकता है। इसके अलावा इसमें पॉलीएसिटिलीन होता है जो कि एंटी कैंसर की तरह काम करता है। साथ ही रोजाना एक गाजर खाने से आपके शरीर के सेल्स और टिश्यूज हेल्दी रहते हैं और शरीर कई बीमारियों से बचा रहता है। गाजर स्किन को हेल्दी बनाने में भी मदद करता है। जो लोग त्वचा से संबंधित प्रोडक्ट्स की मदद से अपने खानपान में सुधार करना चाहते हैं उनके लिए गाजर एक बढ़िया स्नैक है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गाजर मुहासे, डर्मेटाइटिस, रेशेज और अन्य त्वचा से संबंधित बीमारियों में फायदेमंद होता है। एंटीऑक्सीडेंट्स के अलावा इनमें बीटा कैरेटिन भी होता है जो कि त्वचा पर दाग और धब्बों को कम करने में मदद करता है। गाजर इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है। गाजर में मौजूद विटामिन सी इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है। इसमें मौजूद विटामिन ए भी इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है। यह म्यूकस मेम्ब्रेन के निर्माण में और इसके प्रोडक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जो कि हमारे शरीर से जर्म्स को दूर रखने में मदद करता है। गाजर हार्ट को हेल्दी रखने में भी मदद करता है। कई अध्ययनों से यह साबित हुआ है कि वजन कम करने के डाइट प्लान में गाजर जैसी रंगीन सब्जियों का सेवन करने से कोरोनरी हार्ट डिजीज का खतरा कम हो जाता है। केवल 25 ग्राम गाजर का सेवन करने से कोरोनरी हार्ट डिजीज की संभावना 32% कम हो सकती है। गाजर ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में भी मदद करता है। गाजर में पाए जाने वाले फाइबर वजन को कंट्रोल में रखते हैं और दिल की बीमारियों की संभावना कम हो जाती है। लाल गाजर में लाइकोपेन भी होता है जो कि हृदय रोग को रोकने में मदद करता है। गाजर डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी बहुत फायदेमंद होती है। इसमें ज़्यादा मात्रा में फाइबर्स और कैरोटीनॉइड होते हैं जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी बनाए रखने में मदद करती है। हाई फाइबर वाली डाइट कोलोरेक्टल कैंसर की रिस्क को भी कम कर देती है। यह डायबिटीज में ब्लड शुगर को कंट्रोल में करने में भी मदद करता है। गाजर में कम मात्रा में नेचुरल शुगर होती है
गाजर के फाइबर कंटेंट की वजह से इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है, जो कि ब्लड शुगर को बढ़ने से रोकता है। गाजर जैसे कम शुगर वाले और हाई फाइबर वाले खाद्य पदार्थ टाइप 2 डायबिटीज की रोकथाम में भी मदद करते हैं। गाजर हड्डियों के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। हालांकि गाजर में कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन के की बहुत अधिक मात्रा नहीं होती है, फिर भी यह आपके शरीर में इन पोषक तत्वों के योगदान में मदद करता है। इन विटामिन्स और मिनरल्स की कमी से बोन डेंसिटी में कमी आ सकती है। ये तीनों पोषक तत्व हड्डियों को स्वस्थ रखने में इनके वृद्धि, विकास और इनकी मरम्मत के लिए बहुत जरूरी होते हैं। यह एनीमिया ठीक करने में भी मददगार होता है। खून में आयरन की कमी होने पर लाल रक्त कणिकाएं नहीं बन पाती है, जो एनीमिया होने का कारण होता है। गाजर को कद्दूकस कर दूध में उबालकर खीर की तरह खाने से हृदय को ताकत मिलती है और इससे खून बढ़ाने में भी मदद मिलती है। गाजर में एंटी एजिंग प्रॉपर्टी होती है। NCBI द्वारा प्रकाशित एक शोध में बताया गया है कि यूवी किरणें 80% तक चेहरे पर बढ़ती उम्र के लक्षण दिखने का कारण बन सकती है। इन लक्षणों में रूखी त्वचा, झुर्रियां, पिगमेंटेशन जैसी समस्याएं शामिल हैं। यह जानकर हैरानी होगी कि गाजर में मौजूद बीटा कैरोटीन एक प्रभावी एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो त्वचा को फ्री रेडिकल्स और यूवी किरणों से बचाकर त्वचा को जवान बनाए रखने में मदद करता है। अब हम जानते हैं गाजर को किस तरह से डाइट में शामिल करें। वैसे तो गाजर का हलवा एक बहुत ही लोकप्रिय भारतीय पकवान है। गाजर कच्चा खाने के फायदे भी बहुत सारे हैं। आप इसकी सलाद बना सकते हैं, स्मूदी बनाकर सेवन कर सकते हैं या फ्रेंच फ्राइज के रूप में भी खा सकते हैं। आप इसका सूप बनाकर सेवन कर सकते हैं या फिर गाजर के साथ आलू और मटर मिलाकर सब्जी बनाकर भी आप इसका यूज कर सकते हैं। इसका जूस बनाकर भी पिया जा सकता है या फिर आप गाजर का पराठा, चीला या फिर केक बनाकर भी खा सकते हैं। अब हम जानते हैं गाजर का जूस किस तरह से बनाएं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ लिए हैं 4 गाजर। इसे अच्छे से धो लिया है। इसे धोने के बाद में इसे अच्छे से छील लेंगे ताकि इसकी स्किन पर अगर कहीं मिट्टी छूट जाती है तो वो भी निकल जाए। इसे छीलने के बाद इसे बारीक बारीक टुकड़ों में काट लेंगे। साथ में हम यहाँ पे ऐड करेंगे थोड़ा सा अदरक। ये मैंने 2 इंच का टुकड़ा लिया है, इसे भी हम बारीक काट लेंगे। और साथ में मैंने यहाँ लिया है 1 आंवला। आंवला आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। आपको लगता है आधे से 1 आंवले का आप यूज यहाँ कर सकते हैं। आंवले को भी हम छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। इसे काटने के बाद हम एक मिक्सर में डाल के इसे ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने से पहले इसमें आधा ग्लास पानी भी मिक्स करेंगे ताकि ये अच्छे से ग्राइंड हो सके। ग्राइंड होने के बाद हम इसे एक पतले कपड़े की मदद से छान लेंगे। अब हम इसे और टेस्टी और हेल्दी बनाने के लिए इसमें ऐड करेंगे 10 से 12 पुदीना के पत्ते। इन पत्तों को हम अच्छी तरह से धोकर बारीक काट लेंगे और इसे जूस में मिला देंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच काला नमक और 1/2 चम्मच जीरा पाउडर और हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से हमारा गाजर का जूस तैयार है। फ्रेंड्स, ये गाजर का जूस पीने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको इस तरह से बना हुआ जूस कैसा लगता है। और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।